रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने नरेंद्र मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश किया। उन्होंने रेलवे के पिछले 30 सालों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कुप्रबंधन का शिकार रही है, इसे धन का अभाव झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि नई सरकार इसमें तुरंत सुधार के लिए भरसक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट की सराहना करते हुए इसे विकासोन्मुखी और दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश और रेलवे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की सरकार की मंशा को दर्शाता है। रेल बजट में एक तरफ जहां नई ट्रेनों की घोषणा की गई, वहीं हाई स्पीड और बुलेट ट्रेनों के जरिए रेल यात्रा की रफ्तार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। शहरी परिवहन में रेलवे की भूमिका बढ़ाने तथा पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर समेत देश के दूर दराज के इलाकों में रेल सुविधाओं के विकास पर भी खासा ध्यान दिया गया। एनडीए सरकार ने अपने पहले रेल बजट में साफ संकेत दिया है कि वह लोक लुभावन घोषणाओं के बजाय जनहित के लिए ठोस और दीर्घकालीन परिणाम देने वाली नीतियों को लेकर आगे बढ़ेगी। नई रेलगाड़ियों की तादाद बढ़ाने की बजाय सरकार ने रेलवे की लंबित योजनाओं को पूरा करने, पीपीपी मॉडल के जरिए परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने, रेल यात्रा की रफ्तार तेज करने और यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले रेल बजट में बड़ी घोषणाओं की जगह पहले से जारी परियोजनाओं को लागू करने पर जोर दिया है। हालांकि इसके बावजूद सरकार ने कई नई योजनाओं का खाका खींचते हुए यात्रियों की जरूरतों का ध्यान रखने की कोशिश की है। एनडीए सरकार के पहले रेल बजट पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार ने रेल बजट के जरिए परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। बसपा नेता मायावती ने कहा कि जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो वह परियोजनाओं को कैसे पूरा करेगी। वहीं जनता दल यूनाइटेड नेता शरद यादव ने इसे शहरी बजट बताया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने रेलवे बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि सरकार बजट के जरिए इसे निजीकरण की तरफ ले जा रही है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में पीपीपी मॉडल की आलोचना करते हुए कहा कि इसके लिए पहले ही प्रयास किए गए थे। फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में आज जर्मनी और ब्राजील का मुकाबला होगा। जर्मनी की टीम में भले ही कोई बड़ा सितारा ना हो, लेकिन अब तक के प्रदर्शन ने उसे सभी का चहेता बना दिया है।